जैन साहब खजाना भरा हुआ है ना, खाली तो नहीं हो रहा, रोज रोज एक 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 करके निकाल रहे हो, खत्म तो होने वाले नहीं है ना अभी तक? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अनिल जी, अब तो और ज्यादा मोटिवेशन आया क्योंकि मार्केट्स जिन लेवल्स पे है, और अब क्या होता है कि मार्केट्स हो सकता है एक बार रुक जाए, सेक्टोरल चर्निंग हो जाए, बैंक निफ्टी भी एक बार कैचअप कर ले, उसके बाद ये मिड कैप स्मॉल कैप के बहुत बढ़िया दिन आएंगे। और जिस तरीके के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा जो आप बोल रहे हैं ये मैं सोच मेरी भी जुलाई अगस्त में आ गई थी एक बार, फिर मैंने देखा नहीं ऐसा नहीं है। अब सेप्टेम्बर के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उनको हम जून और सेप्टेम्बर के क्वार्टरली रिजल्ट जहां पे अच्छे आ रहे हैं, जहां अच्छे फंडामेंटल्स है, आप देखिए हमारे अपने जो जेम्स में कितने सारे स्टॉक्स है, आप अंजनी पोर्टलैंड के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, डेक्कन सीमेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, पैनासोनिक कार्बन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, तो अब क्या वो डबल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अनिल जी 200 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 200 स्टॉक्स देने हैं, 8000 स्टॉक्स है, और फिर अपनी पारखी नजर, खूब मेहनत करेंगे अनिल जी और खूब कोशिश करेंगे कि पैसे बने अपने व्यूअर्स के। और कोशिश आज भी वैसी एक अच्छे जेम की लाने की है, और वो है हिंदुस्तान कंपोजिट्स लिमिटेड, एक पुरानी कंपनी, एज ओल्ड कंपनी, मतलब सबसे बढ़िया बात है पाइनियर फ्रिक्शन मटेरियल्स में, आप देखिए ऑटो इंसिलरी के हिसाब से काम आती है, रेलवेज में भी काम आती है, ब्रेक लाइनिंग्स की मैंने पहले भी एक स्टॉक दिया था राणे ब्रेक लाइनिंग्स, वैसी ये भी ब्रेक लाइनिंग्स बनाती है, डिस्क ब्रेक पैड्स बनाती है, सो काफी पुरानी कंपनी है, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही इंप्रेसिव है। सबसे बढ़िया बात है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखा तो मिस्टर रघु मोदी एक बहुत ही सीनियर बिजनेसमैन, मान लीजिए पुराने एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वालिफिकेशंस वाले, और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मिस्टर एवी वैद्या जो कि बैंकिंग सेक्टर से है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल के एस ब्रार वो भी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल इंडिया के रहे हुए हैं के सुंदर जी के टाइम पे, तो मुझे ओवरऑल ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है, जब छोटी कंपनी लाते हैं तो पीछे पेडिग्री क्या है वो इंपॉर्टेंट है। फिर ये लोग जेएल मॉरिसन में भी डायरेक्टर्स है, जेएल मॉरिसन शायद जो निविया क्रीम बनाती है वो कंपनी, सो ये सब देखने के बाद और ऑटो इंसिलरी सेक्टर को देखने के बाद, जो मैं आमिर स्टॉक्स कल भी बोल रहा था कि मुझे अब ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स जहां पे एकदम चाल नहीं आई हुई है उन स्टॉक्स को देखना, पिछले 3-4 साल से ये लोग लगाड़ थे, तो अब क्या वैल्यूएशन और सब कुछ बहुत सस्ती हो गई है, तो इस कंपनी को 16-17 के पी मल्टीपल पे आपको मिलेगा। दूसरा जो सेप्टेंबर का क्वार्टरली रिजल्ट था वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट था, और जिस तरीके से इन्होंने 8 करोड़ का पैट प्रोड्यूस किया है रिजल्ट्स में तो वो बहुत इंप्रेसिव है। और 2017 में अप्रैल में ये कंपनी हाईएस्ट छुई हुई है 750 रुपए का, और अभी ये कंपनी सिर्फ 180-190 रुपए के लेवल्स पे ही अवेलेबल है, तो मुझे काफी इंप्रेसिव लगती है। और कंपनी पिछले 7-8 साल में 10% की कैगर से ग्रो भी किया है, तो इन सबको देखता हूँ, 5 रुपए की फेस वैल्यू है, कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ हुआ है, सब कुछ देखने के बाद और काफी कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्म करेगी, जिस तरीके से ऐसे खराब वक्त में भी परफॉर्म करी है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और ऑटो इंसिलरीज में जो चाल आएगी उसके हिसाब से लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आराम से, मुझे लगता है कि ये 230 से 250 के टारगेट्स बहुत इजीली अचीव करेगा। 230-250 ये टारगेट है आपके लिए इस वक्त आते हुए हिंदुस्तान कॉम्पोजिट। ओहो स्टॉक 16% मजबूत, 200 जैन साहब 230-250 तो यार ये मतलब आज तो गजब का कमाल करता हुआ दिख रहा है, भागते हुए दिख रहा है, 13-14% ऑलरेडी भाग चुका है, टारगेट बढ़ाएंगे या ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से ठीक है? देखिए टारगेट तो 250 तक 55 तक शॉर्ट टर्म के लिए लिहाज से थोड़ा सा क्या जल्दी, कई बार ऐसा होता है अनिल जी कि मार्केट्स भी ऐसे लेवल्स पे होते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करवाते रहना चाहिए, बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक और भी अच्छे रिटर्न्स देगा आने वाले दिनों में, 300 तक के लेवल्स भी देगा, क्योंकि जो मैं कहा था कि 750 के लेवल्स ये छुआ हुआ है अप्रैल 2017 में जब धूम मची हुई थी मिड कैप स्मॉल कैप में, आपको भी याद होगा अनिल जी, और मैं जनरली अब इन लेवल्स को बहुत देखने लगा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड वापस से कहीं ना कहीं वैसा माहौल आएगा मिड कैप स्मॉल कैप में। और जो मैं आज बरिंदर जी को भी सुन रहा था सुबह, बहुत जबरदस्त मिड कैप स्मॉल कैप के जो रिजल्ट्स के बारे में बोल रहे थे, और ये एक्चुअली में होने वाला है, सब ने कॉस्ट कटिंग, और आपका भी ये बहुत अच्छा एक इंसाइट था कल या परसों मैंने आपको सुना था, सब ने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके बहुत सारी कमियों को कम करके, कॉस्ट को कम करके और चीजों को ठीक करके, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन और भी बेहतर होंगे, और इन कंपनियों में स्कोप बहुत है ऊपर जाने का, क्योंकि इनके पास मार्केट बहुत बड़ा और वर्ल्ड मार्केट्स, और ये सब कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां, मतलब ये बस खाली मार्केट कैप और लिक्विडिटी की वजह से हम नहीं सोचे कि हल्की कंपनियां है, सो आई फील कि यहां पे भी बहुत अच्छा 300 तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान कॉम्पोजिट के लिए राय, 230-250 छोटे टारगेट और उसके बाद बड़े टारगेट 300 तक के भी आप रख सकते हैं। लेकिन इस बीच नितिन जी हमारे साथ तैयार